हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको डोसा खाना बहुत पसंद है और आपने डोसा का बैटर पहले से नहीं बना के रखा है तो आप सूजी से इस तरह इंस्टेंट डोसा बना सकते हैं। ये सिर्फ 15 मिनट में बन जाती है। इसके लिए यहाँ पे हम बड़ा सा मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हमने मैं डाल रही हूँ 1 कप ये मोटी वाली सूजी है। आपके पास जो सूजी है आप उसे ले सकते हैं और इसे हम ढक के कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे जिससे सूजी जो है हमारा थोड़ा सा पीस जाए। ये आटे के जैसे नहीं बन जा है पर ये थोड़ा सा फाइन बन हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच गेहूं का आटा, आप मैदा भी डाल सकते हैं। इसे हम फिर से एक बार मिक्सी को चला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डोसा के लिए जो है पाउडर तैयार हो चुका है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप दही। अगर दही बहुत ज़्यादा पतली है तो आप इसमें 1 कप डाल सकते हैं और 1 कप मैं पानी भी डाली हूँ। साथ में यहाँ पे हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और मिक्सी को एक बार फिक्स से चला लेंगे। यहाँ पे जो है डोसा का बैटर तैयार हो चुका है तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैटर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा है और जब हम इसे थोड़ी देर फूलने के लिए छोड़ देंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें हम फिर से डाल देंगे 1/2 कप पानी और एक बार मिक्सी को चला लेंगे। यहाँ हमारा डोसा का बैटर जो तैयार हो चुका है तो इसे मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ और इसे हम ढक के साइड रख देंगे। तब तक हम चटनी और उसके लिए मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 1 चम्मच तेल, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मूंगफली और इसे मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। यहाँ बादाम जो है देख सकते हैं थोड़ा सा रोस्ट हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चना दाल। हमने जितना बादाम लिया था उसका 1/2 चना दाल लिए हैं और चने दाल को जो हल्के कपड़े से इसे पोंछ लें। यहाँ पे हम बादाम और चना दाल अच्छे से भून चुका है तो इसे अब हम ठंडा कर लेंगे। सेम पैन का मैं यूज कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच चना दाल। और गैस की फ्लेम को जो है हम लोग लो रखेंगे जिससे चना दाल जो है अच्छे से अंदर से पक जाए और क्रंचीनेस आए। और डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच सरसों, साथ में ये 2 सूखी लाल मिर्च। इन सबको अब हम अच्छे से पकने देंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता और 1 प्याज को मैं इस तरह पूरा फाइन चॉप नहीं की हूँ, थोड़े से लंबे लंबे और बड़े हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यहाँ हम डाल देंगे थोड़ा सा गाजर, ये ऑप्शनल है पर अगर है तो आप जरूर डालें, अच्छी लगती है इसके साथ खाने में। अब कोई सा भी वेजिटेबल आप डाल सकते हैं इसमें। हमने यह प्याज और गाजर को जो है थोड़े से भून लिए हैं तो अब मैं अब यहाँ डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1 से 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और मसाले को और टेस्टी बनाने के लिए 1/2 छोटा चम्मच हम लोग यहाँ डालेंगे सांभर मसाला। सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अगर आप हरी मिर्च का यूज कर रहे हैं तो आप प्याज के साथ में हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ 2 उबले हुए आलू को मैं इस तरह हाथ से मैश कर दे रही हूँ, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी क्योंकि डोसा का जो मसाला है वो थोड़ा सा हल्का चिपचिपा रहता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ती और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमारा डोसा के लिए मसाला जो तैयार हो चुका है और यहाँ पे मूंगफली और चना दाल भी जो ठंडा हो चुका है तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लहसुन, 2 हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा इमली। आप चाहे तो इमली की जगह दही भी डाल सकते हैं और इसको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा चटनी जो तैयार हो चुका है तो इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तो तड़का पैन में मैं ली हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल,
उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच सरसों। सरसों यहाँ जब अच्छे से पक जाए तो उसमें हम डाल देंगे एक लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा करी पत्ता। सबको अच्छे से पकने देंगे। तड़का हमारा यहाँ तैयार हो चुका है, इसे अब हम चटनी के ऊपर डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये चटनी सिंपल है पर खाने में बहुत ज़्यादा डोसा के साथ टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे अब हम बैटर को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैटर जो है हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है डोसा के बैटर के लिए। तो यहाँ पे मैं ली हूँ एक नॉनस्टिक की पैन, तो इसे हम पहले से थोड़ा ठंडा कर लेंगे। पहले इसे अच्छे से गर्म कर ले, उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दे और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसे इस तरह पोंछ ले। और हम जिस तरह चावल और दाल के डोसे को बैटर को फैलाते हैं उसी तरह हम इसे भी फैला लेंगे। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। ये डोसे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। जब ये ऊपर से थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर में थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे। मैं यहाँ पे बहुत कम तेल का यूज की हूँ, इसीलिए इसे मैं इस तरह ब्रश से फैला दे रही हूँ चारों तरफ, जिससे ये फैल जाए। और थोड़ी देर अब हम यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसे पकने देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा नीचे से कलर आ चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। फिर से गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दे और इसे टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ दे, या फिर पानी छिड़क के भी आप कोई कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। और इसके ऊपर फिर से हम बैटर डालेंगे और सेम प्रोसेस से हम सारे डोसे को बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा डोसा जो है तैयार हो चुका है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।